हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट ये क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का। इसमें हमको देखना है हुंस रूल को कि हुंस रूल क्या है, ये स्पेशली किस सन में डिजाइन किया गया था और ये कैसे हम इसको फॉलो करा सकते हैं किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें स्टूडेंट, यदि पहली बार ये आपको वीडियो मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बीएससी के स्पेशली क्लास आपके लिए डिजाइन करके रोज लाता रहता हूँ, जिससे आप अपने एजुकेशन में सही तरीके से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं हुंस रूल। तो सबसे पहले बात करेंगे हुंस रूल का इंट्रोडक्शन, कि जो हुंड है वो क्या दिखाते हैं इंट्रोडक्शन में। देखो ये हुंस रूल, जैसे हमने स्लाइड भी बताया था कि यहाँ पे आपको लगातार स्लाइड्स मिलते रहेंगे जिसको आप कॉपी कर लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये एक सन था 1925 में, क्या था 1925 में हुंस ने स्पेशली एक थ्योरी को डिजाइन किया और उन्होंने बताया कि जो किसी भी जो सब सेल होता है, मतलब कोई भी सब सेल होता है, सब सेल का जो स्पेशल ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे संबंधित रूल दिया था। मतलब ये कह ले कि जो हमारे एक ऐसा ऑर्बिटल होगा, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा ऑर्बिटल होगा, मान लिया मैंने ये क्या है, ये स्पेशल आपके लिए हो गया पी एक्स हो गया, ये आपके लिए पी वाई हो गया, ये आपके लिए पी जेड हो गया, ऐसा कोई ऑर्बिटल है और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन फिलअप कराया जाएगा, क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन फिलअप कराया जाएगा उनसे संबंधित, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित एक रूल दिया। क्या दिया, एक रूल दिया, उसी रूल को हम हुंस रूल के नाम से जानते हैं। इनको हम हिंदी में कह सकते हैं हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। ठीक, तो आज देखेंगे इन्हीं के बारे में। तो देखो इनके अनुसार जब इनकी थ्योरी बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशंस स्पेशली जो सब सेल होते हैं उनके जो ऑर्बिटल हैं उनमें हम करते हैं, ये सब सेल कौन सा है, पी सब सेल है, क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे सब सेल है, सब सेल यहाँ पे क्या है, सॉरी, सब सेल हमारे पास पी है और ऑर्बिटल के फॉर्म में कौन कौन है, पी एक्स है, पी वाई और पी जेड है, ऐसा मिला है। अब इनमें हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम और डिस्ट्रीब्यूशंस करा सकते हैं। ठीक, तो देखो ये बताते हैं, जब तक क्या, जब तक किसी उपकोष के प्रत्येक कक्षक में, मतलब हिंदी में ये कह सकते हो कि ये क्या कह रहा है, जब तक किसी उपकोष के प्रत्येक कक्षक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक उसके आगे या फिर उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं भर सकते। मतलब ये कह ले कि हमारे पास यदि एग्जाम्पल में यदि हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन हैं तो सब में हम क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन का भराव करेंगे, वितरण करेंगे, उसके बाद जब तीनों में इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे तब उनके बाद हम स्पेशल पावली के रूल के द्वारा, क्या था, पावली एक्सक्लूजन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शनल को चेंज करके इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करा सकते हैं। एक बार फिर कोशिश करूंगा कि इनके अनुसार ये बताया गया था कि जब किसी भी, मतलब किसी भी टाइम किसी भी सब सेल में जो उसके प्रत्येक क्या होते हैं ऑर्बिटल होते हैं उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, ठीक, सभी में, सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक किसी भी कक्षक में या किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इसका साधारण अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षकों की संख्या से कम या बराबर हो तो कक्षक में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ध्यान देना, मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तीन कक्षक है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीन ऑर्बिटल हैं, तीनों ऑर्बिटल में, मतलब संख्या ऑर्बिटल की संख्या यदि एक हो, दो हो या तीन हो, इस दशा में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। यदि कक्षक से ज्यादा, क्या होगा, कक्षक से या फिर ऑर्बिटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब हम दोबारा उनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, वन होगा तो इसमें भरा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि वन होगा तो केवल ऐसे होगा, यदि टू हो गया तो ऐसे होगा, थ्री होगा तो ऐसे होगा, यदि चार हो जाएगा इसी जगह, ठीक, पी की बात कर रहे हैं
P4 हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक ऐसे भरा जाएगा, यदि यहाँ पे P4 के बाद P5 आता है, ठीक, यहाँ पे P5 होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, यदि P6 आ जाएगा 5 के बाद तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। यही कंडीशन यदि S की बात करें तो S में क्या होता था स्टूडेंट, S में क्या था, केवल 2 था इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब एक हो, ठीक, नंबर एक हो तो ऐसे, क्योंकि बोला था जितने भी यहाँ पे ऑर्बिटल है उतना उतना संख्या या उससे कम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, अब उससे अधिक हो गया, संख्या से अधिक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब यदि हमने कर दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया इसमें तो दिखाएंगे हम ऐसे, यदि मान लेते हैं दूसरा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, कि यदि दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं डी ऑर्बिटल को, तो यहाँ पे हमको ऐसा समझ में आएगा कि डी ऑर्बिटल के जो छोटे छोटे ऐसे मिले, यदि हमने देखा कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, ठीक, यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो कुछ ऐसे भरे जाएंगे, यदि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो तो कुछ ऐसे भरे जाएंगे, तो 5 संख्या भी है इनका, ठीक, और 5 इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी है, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हमने बताया कि ऑर्बिटल के नंबर के बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल से जब ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो हम आसानी से क्रमशः पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भरते हुए चले जाएंगे। यही रूल बताता है हमारा हुंड रूल, क्या होगा, हुंड्स रूल होगा। अब इस नियम के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सब सेल में सभी ऑर्बिटल, क्या होगा, किसी भी सब सेल में सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर उनके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो पुनः हम वितरण उस कोष से प्रारंभ करेंगे जहां से हमने पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप किया था, ठीक, मतलब हम इधर से भरते जा रहे हैं, ठीक, इधर से भरते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा कब भरेंगे, जब सारों को पांचों को भर लेंगे, पांचवें नंबर को फिलअप कर लेंगे, अब इलेक्ट्रॉन बचता है तो पहले मैंने इनको दिया था तो फिर हम इनको इलेक्ट्रॉन भरेंगे, किसके अकॉर्डिंग, स्पेशल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक, कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मत भरिएगा, क्योंकि मैं इसका स्पेशल वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये तो क्लियर है। अब देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ फॉलो कराना चाहूँगा जिससे आप सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं अपने पूरे पॉइंट्स को, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल हम फिलअप करेंगे और उस एग्जांपल में हम आपको दोनों पोजिशन को दिखाना चाहूँगा। मान लो मेरे पास स्टूडेंट क्या है, एक कोई एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल में यहाँ पे कि हमने ले लिया यहाँ पे स्पेशल बोरान, ठीक, क्या लिया, बोरान, एटॉमिक नंबर 5, ठीक, क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा, चलो भाई 1s2, 2s2, अब 2p1 हो गया, ठीक, ऐसा भर लिया, इसका तो क्लियर है, एक बॉक्स इसका होगा, क्या होगा, एक बॉक्स इसका होगा, एक बॉक्स ये हो गया और ऐसा कुछ हो गया, ठीक, इसको कर लो थोड़ा सा बड़ा, ऐसा फिलअप होगा, ठीक, सब में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होगा, हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, ये तो सिंपल ही है, ऐसा तो हमने देख लिया, ठीक, बट इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, यदि हम दूसरे एग्जाम्पल को डील करते हैं, यहाँ पे मान लिया मेरे पास क्या है, स्पेशल नाइट्रोजन है, क्या है, हमने लिया नाइट्रोजन जो 7 को क्रिएट करता है, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा, ठीक, अब 2p3 हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कौन था 1s 2s 2p, ठीक, अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे कुछ ऐसा, तो हम क्लियर कैसे करेंगे, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2, हमने इसको भर लिया आसानी से, बट बात करें इस सेट की, इस सेट में आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ये तो सही हुआ, क्या हुआ, सही हुआ, बट कभी कभी कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसी सेट को कुछ ऐसा क्रिएट करा देते हैं कि ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इधर हमने देख लिया ये तीसरे नंबर का हो गया
अब इसमें इलेक्ट्रॉन की भराव करने की बारी आएगी, तो लोग कहते हैं कि ऐसे भर दिया हमने इसको ऐसे, और यहाँ पे लोग कुछ ऐसे कवर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s, ये 2p, ये सरासर रॉन्ग है। क्या है? सरासर रॉन्ग है। कभी भी आप नाइट्रोजन का ऐसे कभी भी नहीं करेंगे स्पेशल, इनके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऑर्बिटल में, ठीक। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से रॉन्ग थी, ऐसी सही थी। तो आप लगातार ऐसे पॉइंट्स को देख सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे हमने अब बताया और स्पेशल कि यहाँ पे जो स्लाइड्स मैंने दिया है उस स्लाइड्स को आप बड़ा आसानी से शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। छोटा सा क्लास था, छोटा सा वीडियो था, हमको आपको प्रोवाइड कराना था, ये प्रोवाइड आपको करा दिया। अब रही बात कि ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है, हम चलेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। जो सिलेबस में कुछ यदि बचा होगा, हमने कुछ छोड़ा होगा, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, मैं वहाँ पे जो आपका टॉपिक होगा हम उसको क्लियर कर देंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, एनोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ने हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं उनमें ये पॉइंट्स नहीं हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जाके कि किस किस यूनिवर्सिटी में स्पेशल इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में दिया है। हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस में ऐसा कोई भी सिलेबस में पॉइंट्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आप करिए इस पॉइंट्स को मैंने जो दिया था पहली बार उसको कर लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन, ठीक। तो अब चलते हैं, आज आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।